मध्य प्रदेश विकलांग बल के प्रदेश सचिव सौरभ बघेल ने प्रेस वार्ता बुलाकर प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से चार सूत्रीय मांगे रखी। इसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन 600 रुपए से बढ़ाकर कुछ प्रांतों की तरह 3000 रुपए की जाए। दूसरी मांग, चुनावों में जो 5% का आरक्षण दिया जाए। तीसरी मांग, मध्य प्रदेश में निःशक्त जनों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए। चौथी मांग में बताया कि नेशनल एवं इंटरनेशनल खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए। विकलांग बल राज्य सचिव सौरभ बघेल ने कहा कि यदि 52 जिलों में 15 लाख दिव्यांगजनों की मांगों को सरकार सुनती है तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो अपनी मांगों के लिए आंदोलन करेंगे, आगामी चुनावों में बहिष्कार करेंगे। इस अवसर पर विकलांग बल के जिलाध्यक्ष शिवराज बघेल, ममता राजावत के साथ कई कार्यकर्ता दिव्यांग उपस्थित थे। चार सूत्री मांगों को रखा है और उसमें हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के जो हमारे सब विकलांग बंधु हैं उनकी पीड़ा है। पहली जो हमारी मांग है उसमें हमारी जो मासिक पेंशन है वो 600 रुपए हमें मिल रही है, अन्य राज्यों में 3000 रुपए 2000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। तो हम सबकी मांग है कि हमारी मासिक पेंशन 600 रुपए को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाए। और हम सबकी जो मांग दूसरी मांग है उसमें हम सबको 5% जो आरक्षण हमें निकाय चुनाव या अन्य चुनाव है उसमें दिया जाए। अभी हमें किसी भी निकाय चुनाव या किसी भी चुनाव में हमारा आरक्षण नहीं मिलता है। हमारी विकलांग बंधुओं की जो तीसरी मांग है वो मांग है कि हम जो विकलांग बंधु हैं नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं मगर हम लोगों को शासन की तरफ से कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। मेरा अनुरोध है समस्त हमारे 52 जिलों के विकलांग बंधुओं की तरफ से कि हमें कुछ ऐसा रोजगार मुहैया कराया जाए जिससे हमारा जीवन भरण पोषण हो सके। और हमारी चौथी और प्रमुख जो मांग है वह मांग है कि हमारे जो विकलांग बंधु हैं उन सभी का जो BPL राशन कार्ड है उसको भी जारी कराया जाए। मेरी प्रमुख ये चार मांगें थी।